जय जोहार जोहार रायपुर मा जम्मो दर्शक मन के स्वागत है। मैं हूं लीना। अब बढ़तन खबर मंडाहर और देखता ने बेरा के सुर्खी मनला। दिव्यांग जन मनला मिली राज्य स्तरीय सम्मान, सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में जसपुर जिला ला करेगी सम्मानित। राहुल के आपत्तिजनक पोस्टर में बवाल, कांग्रेसी मन के भीमा मंडावी के खिलाफ प्रदर्शन जारी। और राजधानी में मनाए जावत है अर्थ डे, नो प्लास्टिक अभियान के प्रति करे जावत है जागरूक। अब देखतन खबर विस्तार ले। शारीरिक अक्षमता ला पीछे छोड़त हुए दिव्यांग जन मन अपन हौसला ले अनेक कीर्तिमान स्थापित करे है। ऐसे कोनो क्षेत्र नहीं है जिहां मन हा सफलता अर्जित ना करे हो। लैका मन ला अच्छा स्वास्थ्य और पोषण बर उका जन्म के पहले ही तैयारी करना आवश्यक है, जकर बर राज्य शासन द्वारा सतत प्रयास करे जावत है। यही कड़ी मा सोमवार के साल 2017 बर प्रदेश के 3 संस्था और 3 कर्मचारी मन ला दिव्यांग जन राज्य स्तरीय सम्मान ले नवाजे घलो गिस। समाज कल्याण विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज स्थित सभागार में राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह 2018 के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री रमशीला साहू घलोक शामिल हुई है। ए अवसर में जसपुर जिला ला निशक जन मन बर कार्य करत रहे बर सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित करेगी। ये पुरस्कार जिला पंचायत जसपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप शर्मा हा ग्रहण करीस। उहे रायपुर जिला के स्वयं सेवी संस्था सेवा निकेतन ला अस्थि बाधित दिव्यांग जन मन बर और सूरजपुर जिला के विश्रामपुर स्थित सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन ला श्रवण बाधित दिव्यांग जन मन बर और भिलाई जिला दुर्ग के त्रिविधा विकास समिति मुस्कान ला मानसिक रूप ले अविकसित दिव्यांग जन मन बर उल्लेखनीय कार्य बर सम्मानित करेगी। ये प्रकार ले सर्वश्रेष्ठ दृष्टि बाधित कर्मचारी के सम्मान ले राजनांदगांव के धनुलाल देवांगन ला, सर्वोत्तम श्रवण बाधित कर्मचारी के सम्मान ले बिलासपुर के रुकेश कुमार और सर्वोत्तम अस्थि बाधित कर्मचारी के सम्मान ले दुर्ग जिला के कुमारी गौरी साहूला सम्मानित करेगी। मीडिया ले चर्चा करत हुए विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल हकीस के दिव्यांग जन मन हा कोनो भी क्षेत्र मा कम नहीं है, ओ मन हा इतना ही सक्षम है जितना समाज के अन्य लोगन मन हा। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जन मन ला मुख्य धारा मा लाए बर अनेक योजना संचालित करे जावत है। दिव्यांग जन मन ला अधिक ले अधिक योजना मन के लाभ दिलाए बर लगातार प्रयास करे जावत है। दिव्यांग जनों का सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया था समाज कल्याण विभाग के द्वारा। आज जिस प्रकार से एनजीओस के माध्यम से भी श्रवण बाधितों को भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण देकर के अस्थि बाधित लोगों को और उस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं। कार्यक्रम में अतिथि मनहा ब्रेल लिपि ले मुद्रित पुस्तक के विमोचन करीस। कार्यक्रम में दो लड़का आशुतोष कुमार सिंह और पृथ्वीराज राम टेकेला दिव्यांग जन मनहा पहचान पत्र प्रदान करीस। देश टीवी पर एम कोरलैया के रिपोर्ट। एम्स में मोतियाबिंद सर्जरी कांड के रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं करे है। इमा कांग्रेस हा साफ शब्द में कहिस कि सरकार पीड़ित मरीज मन ला लाभ ना पहुंचा के दोषी मन ला बचाए में लगे है। उहे भाजपा हा कहिस कि मामला के रिपोर्ट तैयार जल्दी ही करे जाही, जल्दी ही दोषी मन ऊपर कार्रवाई करे जाही। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद में 5 मरीज मन के आंखी में फैले संक्रमण के कारण के तलाश पर गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी 17 दिन में घलो रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई, जबकि कमेटी ला सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के कल्चर माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार में ही अपन रिपोर्ट बनाना रहीस है। एमा ना तो डॉक्टर मन के बयान लिए गए है ना ही मरीज मन के। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि आखिर समय कौन बात के लगत है। ये घलो बता दन कि जांच रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ला भेजे जाना है। ये मामला में फिर एक बार कांग्रेस हा अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करे है। कांग्रेस के कहना है कि सरकार हा पीड़ित मरीज मल्ला न्याय नहीं दिलाना चाहते, ऐसे में सरकार दोषी मल्ला बचाए में लगे है। कांग्रेस हा ये घलो कहिस कि राज्य सरकार हा शुरू में पीड़ित मरीज मन के इलाज करिस, अब तो उखर मन ले पूछताछ घलो नहीं करत है कि उखर आंख कैसे है। एम्स में मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन हुआ उसमें मरीजों को शुरू में तो जिनकी आंखें गई उन्हें दवा और इलाज देने की बात कही गई, लेकिन अब दवा और इलाज देने से मना कर दिया गया है। एम्स के जो प्रभावित लोग हैं वे बुरी तरीके से परेशान हैं। नरेंद्र मोदी ने लंदन से नारा दिया, बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। ज़्यादातर बुजुर्गों को मोतियाबिंद की शिकायत होती है,
तो कैसी दवाई दी जा रही है, किस तरीके से लापरवाही से ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बुजुर्गों का क्या हश्र हो रहा है, साफ पता चलता है। युवाओं को कमाई के लिए पकौड़ा तलने की सलाह भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं और कुल मिला के पूरे राज्य की स्थिति और पूरे देश की स्थिति भाजपा सरकार में बदतर हो चुकी है। आप मतलब बता दें कि राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एम्स के अपन दवा गोदाम, अमृत फार्मेसी और सीमा मेडिकल स्टोर ले दवा सैंपल लिए गए रही। ऑपरेशन करने वाले नेत्र रोग विभाग के दो महिला डॉक्टर मन ड्रग इंस्पेक्टर ला दिए गए अपन बयान में कहिस कि दवाई मन है तीन जगह ले आए रही। हालांकि जेन बैच के दवा इस्तेमाल में लाए गए वह विभाग के छापा के पहले ही खत्म होना बताए गए। जो सैंपल लैब में मिले रही उमन ला जांच पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता भेजे गए है, जिहां ले रिपोर्ट आए के इंतजार है। अब मामला में भाजपा अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करे है। भाजपा के कहना है कि मामला के जांच चला थे, फिर कोनो कारणवश अब तक एक रिपोर्ट तैयार नहीं करे जा सके है। कांग्रेस के काम सिर्फ आरोप लगाना है, जल्दी ही जांच पूरा होए के बाद में दोषी मन ऊपर कार्रवाई करे जाही। नहीं, उनके वहाँ के प्रबंधन का और उसका रहा था कि उसमें अधिकांश लोगों की आसक्ति हुई है और पर्याप्त तो उनको जो सुविधाएं हैं तो उस प्रकार से शासन ने भी उसको गंभीरता से लिया है। जो स्वयं जो है जिला चिकित्सा अधिकारी थे, उन्होंने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग की और जांच के लिए स्वयं उस प्रबंधन ने कमेटी भी बनाई है, तो उसके रिजल्ट आने हैं। न्याय होगा उनके साथ, अन्याय नहीं होगा। गौरतलब है कि एम्स में संक्रमण फैले के बाद में मरीज मल्ला एमजीएम हॉस्पिटल में रेफर करेगी रही, जिहां तीन दिन के बाद में मरीज मल्ला छुट्टी दे देगी। हालांकि मीडिया के दबाव बनी एम्स प्रबंधन है शुरुआती 76,000 रुपया के बिल के भुगतान जरूर करी, फिर दोबारा फॉलोअप के खर्चा परिजन मल्ला खुद वहन करना पड़ा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त में लाखों रुपया के घोटाला करे के आरोप जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लगा है। ऐसे में नाराज पार्टी के कार्यकर्ता मनहा कलेक्ट्रेट परिसर के घेराव करीस, जिहां उमनहा सहायक आयुक्त आर के सिदार के खिलाफ जम के नारेबाजी करीस। संगे माहियों कर ऊपर कार्रवाई नहीं करे मा मंत्री केदार कश्यप के निवास के घेराव करे के चेतावनी घलो दिस। सोमवार के जोगी जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मनहा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करीस, जिहां ओमन हा परिसर के घेराव करके जम के नाराबाजी करीस। संगे माही आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त कोतिले लाखों रुपया के घोटाला करे के आरोप लगाईस, उन्हें ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं होए मा नाराजगी व्यक्त करीस। अजीत जोगी के पार्टी के मानन तो सहायक आयुक्त आर के सिदार हा विभिन्न योजना मन के अंतर्गत लाखों रुपया खुद डकार गए है, उन्हें प्रशासन घलोक ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं करत है। ऐसे में कार्यकर्ता मन में आक्रोश व्याप्त है। इसका हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था और उसके बाद 10 दिन के अल्टीमेटम के साथ हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोगों ने सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव किया, उनसे हम पूछने आए थे कि आपने गरीब जनता का पैसा कैसे गबन किया, लेकिन उनको जैसे ही पता चला हम लोग आ रहे वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हम लोग इसमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अब अगला चरण हम लोग सीधा केदार कश्यप से मिलने जाएंगे, अगर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो उनका भी घेराव हम लोग द्वारा किया जाएगा। अभी कलेक्टर साहब से हम लोग मिलना चाह रहे थे लेकिन जो पुलिस हमें मिलने नहीं दी गई, वो एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे करके। ये दौरान ओमनहा प्रशासनिक अधिकारी मन ले मिलके ओला ज्ञापन खलोक सौंपिस, संगे माही जल्द सहायक आयुक्त ऊपर कार्रवाई नहीं होए मा मंत्री केदार कश्यप के निवास के घेराव करे के चेतावनी दिस। अजीत जोगी के पार्टी के मानन तो ओकर मन पास ये घोटाला के सबो सबूत घलोक है, जेला ओमन प्रशासन ला घलोक सौंप चुके है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। राहुल गांधी के आपत्तिजनक पोस्टर लेके कांग्रेस भीमा मंडावी ले बेहद नाराज है। ऐसे में कांग्रेसी मनहा भाजपाई मन के बुद्धि ला ठीक करे बर बाइक रैली निकालीस। एकर बाद कांग्रेसी मनहा गौमूत्र लेके भाजपा कार्यालय बर कूच करीस, फिर बीच रद्दा माही पुलिस बल हमला गिरफ्तार कर जेल भेज दिस। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक भीमा मंडावी कोतिले आपत्तिजनक टिप्पणी करे के विरोध में कांग्रेस हा मोर्चा खोल दिए है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मनहा सोमवार के गौमूत्र लेके भाजपा कार्यालय रवाना हुई, जिहां ओमनहा गौमूत्र के छिड़काव कर भाजपाई मन के मनला शुद्ध करे के कोशिश करी। कांग्रेसी मनहा पूर्व भाजपा विधायक भीमा मंडावी के खिलाफ नाराबाजी करत रही। जैसे ही ओमन निगम मुख्यालय भवन के नजदीक पहुंची पुलिस ओमनहा रोक दीस, जिहां कांग्रेसी मनहा फिर ले जम के नाराबाजी करी। संगे माही पुलिस ऊपर मिलीभगत के आरोप लगाई, जिनका पारिवारिक इतिहास
इस देश को जोड़ने में, देश की एकता और अखंडता बनाने में अपने प्राणों का त्याग दे दिया, चाहे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो, वो नेता जो आज देश की लड़ाई लड़ रहा है, आज युवा वर्ग की लड़ाई, आदिवासी वर्ग की लड़ाई, महिला बहनों के अत्याचार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, उस लड़ाई से भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी के फोटो को फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उस पर टिप्पणी करते थे। अब राहुल गांधी जी के खिलाफ में टिप्पणी की गई है। कल भी हम लोगों ने थाने में जाकर, क्योंकि इसमें आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सोशल मीडिया का मामला है, आज भारतीय जनता पार्टी के भवन हम लोग जा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका मानसिक दिवालियापन हो गया है और कहीं ना कहीं आज उनकी सोच की स्थिति कम हो गई है, गौमूत्र मूत्र से वहाँ गौमूत्र का छिड़काव करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कांग्रेस हा भाजपा के पूर्व विधायक कोतिले करे गए टिप्पणी के विरोध करत हुए कार्रवाई के मांग करे है। उन्हें मांग पूरा नहीं होए मा उग्र आंदोलन करे के चेतावनी दिए है। कुछ देर हंगामा करे के बाद वहाँ मौजूद पुलिस बल हा ओमला गिरफ्तार कर जेल भेज दीस। फिलहाल कांग्रेसी मन हा ये मामला मा लगातार प्रदर्शन करत रहे के बात कहे है। अब देखना हो ही कि भाजपा ये मामला ला कौन तरह संज्ञान में लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। भाजपा के पूर्व विधायक भीमा मंडावी ऊपर लगाए जावत आरोप मनमा भाजपा हव घलो पलटवार करे है। भाजपा के कहना है कि जब उमन है मामला मा माफी मांगत हुए ओ पोस्टर के खंडन करे है, तब कांग्रेस ए मामला ला इतना उछाले मा काबर लगे है। भाजपा प्रवक्ता सचिदानंद उपासने के कहना है कि आगामी दिन में होने वाला चुनाव न देखत हुए कांग्रेस हा अपन रोटी सेके में लगे है, फेरे मन ला एकर लाभ नहीं मिली, काबर की आम जनता भाजपा के विकास कार्य ला जानत हवे। देखिए भीमा मंडावी ने उसका खंडन किया है कि मैंने कोई इस प्रकार से उसको नहीं डाला है सोशल मीडिया में, उसका स्वयं उन्होंने खंडन किया है और उसको डिलीट भी कर दिया है अपने उसमें कितने मेरे इसमें डाला था करके। तो जब एक बार वो डिलीट हो गया उस प्रकार से, स्वयं कहा कि भी मैंने नहीं डाला है उस प्रकार से, तो उसका वैसे पटाक्षेप हो गया। उसको राजनीतिक टूल देना उचित नहीं मानता मैं।